नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए रुख करते हैं खेल जगत की खबरों की तरफ। शशांक मनोहर चुने गए आईसीसी के चेयरमैन। कहा, आईसीसी के स्वतंत्र चेयरमैन के तौर पर काम करने को हूं उत्साहित। हाल ही में बीसीसीआई से शशांक ने दिया था इस्तीफा। पोलार्ड और बटलर की तूफानी पारियों से मुंबई जीती। बैंगलोर को उसके घरेलू मैदान में दी 6 विकेट से मात। पोलार्ड ने 35 और बटलर ने खेली 29 रनों की नाबाद पारी। वेस्टइंडीज के क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर टोनी कोजियर का निधन। 1965 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के साथ कोजियर ने की थी कमेंट्री की शुरुआत। गले और पैर में इन्फेक्शन बना मौत की वजह। पोलैंड के मुक्केबाज आंद्रेज सोल्ड्रा ने दी विजेंदर को चेतावनी। कहा, विजेंदर को मेरे खिलाफ हॉरर शो से गुजरना होगा। 13 मई को होना है दोनों मुक्केबाजों के बीच मुकाबला। सचिन तेंदुलकर ने ग्रेटर नोएडा में लिया घर। पत्नी अंजलि ने कराई रजिस्ट्री। जेपी रिजॉर्ट के क्रिसेंट कोर्ट में 1,68,00,000 में खरीदा 6 बेडरूम वाला अपार्टमेंट। रविंद्र खत्री और बबीता कुमारी को मिला ओलंपिक का टिकट। भारत के 8 पहलवानों ने किया क्वालिफाई। इसी साल अगस्त में होना है ओलंपिक का आयोजन। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।